हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि हम लोग अगस्त मंथ के टॉप 100 करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस की हम लोग सीरीज़ देख रहे हैं, जिसके अभी तक मैं आप लोगों को दो पार्ट्स करवा चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। 25 क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर चुके हैं, अब मैं आपको 26 क्वेश्चन से मैं आपको करवाता हूँ। यहाँ पर 26 क्वेश्चन क्या है कि विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट द ICC मैंस T20 वर्ल्ड कप 2021। तो यहाँ पर 2021 के वर्ल्ड कप की बात हो रही है ना, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 की बात हो रही है, तो आपका आंसर क्या होगा? इंडिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 विल बी होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे दो चीज़ मिल गई। अब इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला क्या कि 2021 में होस्ट कौन करेगा, तो आपका आंसर क्या है? इंडिया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2022 में होस्ट कौन करेगा, तो आपका आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि नेम द पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट विच वॉज लॉन्च बाई यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। इस क्वेश्चन से मुझे दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पहला कि भैया यूनियन इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक मिनिस्टर कौन है, आपका आंसर क्या होगा? प्रकाश जावड़ेकर। दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा है वो क्या कि नेम द पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट विच वॉज लॉन्च बाय प्रकाश जावड़ेकर, आपका आंसर क्या होगा? सुरक्षा। मानवाति संघर्ष पर पोर्टल का नाम बताएं जिसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया था, क्या आंसर है? सुरक्षा। क्लियर। चलो, SN राजेश्वरी हैज बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी। देखो, यहाँ पर जो SN राजेश्वरी जी हैं वो कौन से इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन और MD हैं, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो आपका क्या आंसर होगा? OICL। क्या होगा? OICL। OICL मतलब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्लियर। SN राजेश्वरी जी। देखो, मैं यहाँ पर आप लोगों को दो तीन बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि यहीं के यहीं आपको चीज़ें क्या हो जाए, याद हो जाए। क्लियर। सो SN राजेश्वरी जी जो हैं वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACJ अवार्ड 2019 फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये किसी न किसी के एग्जाम के शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। क्या आंसर होगा इसका? नितिन सेठी, ऑप्शन ए। नितिन सेठी को खोज पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 मिला था। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेगा नितिन सेठी। आगे चलते हैं। दी 77 न्यू स्पेशीज ऑफ बटरफ्लाइज आर फाउंड बाय साइंटिस्ट रिसेंटली इन मैथरन एंड इको सेंसिटिव जोन ऑफ विच स्टेट। हाल ही में मैथरॉन में किस राज्य के एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में वैज्ञानिक द्वारा तितली की 77 नई प्रजातियों पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर नागालैंड। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। सभी लोगों को पता है महाराष्ट्र के CM और गवर्नर कौन है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा कि 77 न्यू प्रजातियां पाई गई हैं बटरफ्लाइज की, जिसे हाल ही में साइंटिस्ट ने खोज की है। कौन से स्टेट में? तो वो है महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। कृषि मेघ, द डाटा रिकवरी सेंटर ऑफ ICAR हैज़ बीन सेटअप एट नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट NAARM इन विच सिटी। कृषि मेघ ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर किस देश के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में स्थापित किया गया है?
बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, नोएडा या फिर मुंबई? तो इसका आपका आंसर क्या है? हैदराबाद। कृषि मेघ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि मेघ ICAR, सभी लोगों को ICAR का फुल फॉर्म पता है ना, का डाटा रिकवरी सेंटर किस देश के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी में स्थापित किया गया? क्या आंसर है? हैदराबाद। बस जहाँ ये आप कृषि मेघ दिखा क्वेश्चन में और जहाँ ये डाटा रिकवरी सेंटर के बारे में पूछा, आपका आंसर हो जाएगा सीधे हैदराबाद। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग इसका आंसर दे दोगे। क्लियर? हैदराबाद किसका कैपिटल है? तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव। चंद्र शेखर राव। अगर मैं यहाँ से आपके गवर्नर का नाम पूछूं तो कोई बताएगा क्या है? तमिली साई है ना, ऐसे ही है कुछ, तमिली साई, सौंदराजन, ऐसे कुछ समथिंग है ना, तमिली साई सौंदराजन। ये क्या है? गवर्नर, सीएम है चंद्रशेखर राव, कैपिटल है तेलंगाना। ये हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्लियर? ठीक, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ दी फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली रजिस्टर ए COVID-19 वैक्सीन नेम्ड स्पुतनिक वी? सभी लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा इसका आंसर, जहाँ पर भी ये नाम आ गया स्पुतनिक वी है ना, इन्होंने तो लॉन्च कर भी दिया है। किन्होंने? रशिया ने। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। आधिकारिक तौर पर फर्स्ट स्पुतनिक वी नामक COVID-19 वैक्सीन को पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? रशिया। क्लियर हो गया सर? चलो, हु हेड्स द नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? अच्छा, सेंट्रल इधर लिखा है, गवर्नमेंट इधर है ना, तो इसको आप ऐसे ऊपर समझ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट। हु हेड्स द नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन? वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप का हेड कौन है? तो इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा बताइए, इसका आंसर हमारा क्या होगा? अमिताभ कांत, बिल्कुल। यहाँ पर इसका आंसर क्या है? अमिताभ कांत। क्लियर? ऑप्शन ए। क्लियर? और वैसे भी ये जो अमिताभ कांत है, आप सभी लोगों को यहाँ पर पता होगा कि जो अमिताभ कांत है वो कौन है, सॉरी अमिताभ कांत नहीं, वी के पॉल है ना, कौन होगा? वी के पॉल। ठीक है, मैं 1 सेकंड इसको इरेज कर दूं। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? वी के पॉल। क्लियर? तो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन हेड कौन है? वी के पॉल। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलो, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी टू टेस्ट फायर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अपर स्टेज रॉकेट इंजन नेम्ड रमन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का पहला निजी एरोस्पेस कंपनी रमन नामक अपने तरह के ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन की Agni-1 का परीक्षण करने के लिए कौन सी है? मतलब हमें उस कंपनी का नाम बताना है। क्लियर? उस एरोस्पेस कंपनी का नाम बताना है। क्लियर? चलो, जो टेस्ट कर रहा है कौन सा? रमन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा सर? स्काई रूट एरो स्पेस। क्या आंसर होगा? स्काई रूट एरो स्पेस। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैड्स द 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच पास्ड जजमेंट दैट डॉटर्स हैव इक्वल बर्थ राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट?
क्या आंसर होगा? सर्वोच्च न्यायालय को 3 न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कौन करता है जिसने यह निर्णय दिया है कि बेटियों को पूर्वव्यापी प्रभाव का साथ संपत्ति विरासत में प्राप्त करने का समान अधिकार है? क्या आंसर होगा? बिल्कुल आंसर है यहाँ पर जस्टिस अरुण मिश्रा। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, जस्टिस अरुण मिश्रा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी न्यूज़ में बहुत चला है अगला क्वेश्चन। ठीक, इम्पोर्टेंट है, जस्टिस अरुण मिश्रा इसका होगा आंसर। विच कंट्री हैज टेस्टेड ए बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर नेम्ड एरो 2? किस देश ने एरो 2 नामक बैलिस्टिक मिसाइल इंस्पेक्ट इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है? क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल सभी लोगों को इसका आंसर पता है, इजराइल। कौन सी कंट्री ने जो बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है, क्या नाम है, एरो 2, जहाँ पर भी हमें एरो 2 देखने को मिल गया और हमसे इस कंट्री का नाम पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? इजराइल। 1 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग इसका आंसर दोगे एग्जाम में, क्लियर? इजराइल। सभी लोगों को पता है इजराइल का कैपिटल, इजराइल का कैपिटल क्या है? जेरूसलेम, जेरूसलेम, क्लियर। अगर मैं यहाँ से आपके इसकी बात करूँ करेंसी, तो इसकी करेंसी क्या है? शेकेल, है ना, इजरायली शेकेल ऐसा बोल लो, है ना, इजरायली शेकेल। अगर मैं यहाँ से आपकी इसकी बात करूँ कि इजराइल के पीएम कौन है, तो अभी अभी दोबारा बने हैं कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। क्लियर हो गया, इतनी चीज क्लियर है। ठीक, इसराइल। क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा इसको करवा देता हूँ कि विच कंट्री हैज टेस्टेड अ बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर नेम्ड एरो 2? आंसर क्या है? इसराइल। पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, सॉरी नेतन्याहू। कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? हु लॉन्च ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन हॉनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? आयकर विभाग के पारदर्शी कराधान सम्मान का सम्मान मंच किसने लॉन्च किया? क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी। हु लॉन्च द ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन हॉनरिंग द ऑनेस्ट? आंसर क्या है इस प्लेट मतलब जिसने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। क्लियर। पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC कनेक्टिंग चेन्नई एंड विच सिटी? आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? चेन्नई के साथ साथ किसको वो कनेक्ट करता है? तो आंसर है पोर्ट ब्लेयर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ चेन्नई की जगह यहाँ पर क्वेश्चन में तमिलनाडु दे सकता है। किसको कनेक्ट करता है? पोर्ट ब्लेयर की जगह अंडमान निकोबार दे सकता है। क्लियर, अंडमान एंड निकोबार। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु का कैपिटल आपका चेन्नई है और अंडमान निकोबार का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। क्लियर, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर OFC कनेक्टिंग चेन्नई एंड विच सिटी? आंसर क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक, चेन्नई की जगह तमिलनाडु लिखा हो सकता है, स्टेट का नाम लिखा हो सकता है। पोर्ट ब्लेयर की जगह अपना यूनियन टेरिटरी का नाम लिखा हो सकता है, अंडमान एंड निकोबार। क्लियर हो गया, आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि हु हैड्स दी 5 मेंबर कमिटी फॉर्म्ड बाय एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोझीकोडे प्लान क्रैश, सॉरी प्लेन क्रैश? हु हैड्स अ 5 मेंबर कमिटी फॉर्म्ड बाय एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोझीकोडे प्लेन क्रैश? आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? बिल्कुल SS चाहर, SS चाहर। क्लियर, चलो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी हाल ही की न्यूज़ है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखेगा। कौन हेड कर रहा है? SS चाहर। आगे चलते हैं। चेतन चौहान हु पास्ड अवे इन अगस्त 2020 इज अ रीनोन। अगस्त 2020 में चेतन चौहान का निधन हो गया था, ये एक क्या थे?
यह एक क्या थे? तो बिल्कुल यह एक पॉलिटिशियन भी थे और क्रिकेटर भी थे। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ही इज क्रिकेटर एज वेल एज पॉलिटिशियन। क्या नाम है? चेतन चौहान। क्लियर? सभी लोगों ने चेतन चौहान का नाम बिल्कुल सुना होगा। ये एक क्रिकेटर थे और पॉलिटिशियन थे जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडिजेनाइजेशन पोर्टल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DDP विच वॉज लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली। आंसर क्या है? रक्षा उत्पादन विभाग DDP के स्वदेशीकरण पोर्टल का नाम बताएं जिसे हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। क्या आंसर होगा? सभी लोगों को पता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसका आंसर है सृजन। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो भी चीज़ हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो अगर लॉन्च करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये कभी कोई चीज़ नरेंद्र मोदी लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को इसके पहले बताया था क्वेश्चन, वो है ना, ये जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये वाला, इन्होंने इस चीज़ को इनॉग्रेट किया तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। यहाँ पर देखो, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन हॉनरिंग द हॉनेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किन्होंने? नरेंद्र मोदी ने। तो PM ने लॉन्च किया तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो अगर मिनिस्टर्स अगर ये कोई चीज़ लॉन्च करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन कि भैया जो DDP है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, वो किसके द्वारा लॉन्च की, मतलब राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई थी, तो उस जो पोर्टल है उसका नाम क्या है? तो क्या नाम है? सृजन। ठीक है, क्या नाम है? सृजन। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अंडर पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम PCGS 2.0 द फाइनेंस मिनिस्ट्री इंक्रीज द मैक्सिमम लिमिट फॉर परचेज ऑफ AA/AA बॉन्ड एंड कमर्शियल पेपर बाय पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम 25% टू 25%। से कितना? 25% से कितना? तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? 50%। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? 50%। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक, फिर से एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ। आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 के तहत वित्त मंत्रालय ने अधिकतम वृद्धि की 25% से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा AA/AA बॉन्ड और वाणिज्यिक पात्रों की खरीद के लिए सीमा कितनी है? तो 25 से कितनी हो गई है? 50%। क्लियर? 25 से कितनी? 50%। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, इतनी चीज़ें तो अपन इस क्लास में इतने रखते हैं। कितने? 12 क्वेश्चन अपन ने करे हैं 42 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 43वां क्वेश्चन करेंगे, मतलब फोर्थ पार्ट। जितने भी मैं आपको पार्ट करवा रहा हूँ ये आप लोग एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ, आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन हर मंथ के, है ना, जैसे कि अभी मैं अगस्त करा रहा हूँ, तो अगर अगस्त के अगर वो पूछेगा तो इन्हीं टॉप 100 में से वो पूछेगा। क्लियर है सभी लोगों को? तो एक बार इन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर लीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।